Question number 1, page number 172. ठीक है, आज हम लोग क्या कर रहे हैं? डबल कॉलम कैश फ्लो. ठीक है, हैप्पी बर्थडे. ओके, तो डबल कॉलम कैश बुक हम लोग कर रहे हैं. लास्ट टाइम हम लोग ने क्या किया था? सिंगल कॉलम कैश बुक के सॉल्व एग्जांपल किए थे. एक्सरसाइज में सिंगल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चन नहीं दिए हुए, तो हम लोग क्या चालू कर रहे हैं आज? डबल कॉलम कैश बुक. ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक में क्या करना हमें? बहुत ही सिंपल है, फॉर्मेट पूरा बनाया हुआ है. डबल कॉलम कैश बुक यहाँ पे क्या होगा? डेट, ये क्या होगा? रिसिप्ट. आर नंबर मतलब रिसिप्ट नंबर. एलएफ ये कैश का कॉलम होगा, तो कैश. और ये किसका कॉलम होगा? बैंक. तो डबल कॉलम कैश बुक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? कैश कॉलम और बैंक कॉलम. फिर अगेन यहाँ पे क्या होगा? डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, फिर एलएफ, कैश और बैंक कॉलम. ठीक है, स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन. देखो, लास्ट टाइम मैंने नरेशन बताया था आप लोग को. यहाँ पे अपने को नरेशन लिखना होता है इसमें. हाँ. ये क्योंकि ये क्या है? जर्नल ही है, तो इसमें भी हम लोग को एंट्री का नरेशन लिखना होता है. बट मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, नरेशन आपको आप लोगों ने सीखा होगा जर्नल में, है ना. नरेशन कैसे स्टार्ट करते हैं? बींग से स्टार्ट करते हैं, ब्रैकेट में. और नरेशन में लिखना क्या होता है? जो ट्रांजिशन में दिया है वही लिख देने का. ठीक है, शॉर्ट करके. अगर शॉर्ट करने नहीं आता है तो डायरेक्ट जो है वो लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो आज मैं नरेशन ही लिखूंगा. देखो, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ जनवरी 2018. तो ये लिख लो पहले 2018 जैन, 2018 जैन. ठीक है, पहला एक तारीख को क्या किया? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1,20,000. तो बिजनेस स्टार्ट किया तो पैसे आ रहे कि जा रहे? कैशबुक में खाली आपको ये ध्यान में रखना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है. ठीक है, तो आ रहा है तो कहाँ लिखोगे? रिसिप्ट साइड में यानी डेबिट साइड में. और जा रहा है तो कहाँ पे लिखोगे? क्रेडिट या फिर पेमेंट. ठीक है, तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एक तारीख. टू क्या लिखोगे? कौन देता है कैश? मालिक यानी कैपिटल. कितना? 1,20,000. नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. ठीक है, ओके. अगला क्या है? तीन तारीख, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा. देखो ये ना, यहाँ पे जर्नल क्या आएगा बताओ तो? कैश पे क्या मतलब? कैश जा रहा है तो कैश क्या होगा? क्रेडिट होगा. और डेबिट क्या होगा? बैंक, क्योंकि बैंक कौन सा अकाउंट है? पर्सनल. डेबिट द रिसीवर. तो यहाँ पे बैंक में भी एंट्री आ रही है और कैश में भी एंट्री आ रही है, तो ऐसे एंट्री को कैश बुक में कॉन्ट्रा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. तो मुझे बताओ पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है. तो कौन से साइड में लिखोगे? पेमेंट साइड में. तीन तारीख, बाय क्या लिखोगे? कहाँ जा रहा है? तो बैंक अकाउंट. ठीक है, कैश जा रहा है तो कैश के कॉलम में अमाउंट आएगा. कितना जा रहा है? 50,000. समझ में आया? कुछ सिंपल है. ठीक है, लेकिन उसी वक्त बैंक में पैसे आ रहे हैं. समझ में आया क्या? यहाँ पे लेजर फॉलियो में क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा. उसी वक्त बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक के कौन से साइड पे आएगा? रिसिप्ट साइड पे आएगा. सेम डेट पे. क्या डेट है? तीन. टू क्या लिखोगे? नहीं, कैश आएगा बैंक के कॉलम में. कितना? 50,000. समझ में आया? ये आज के लिए नया है आप लोग के लिए. ठीक है, देखो सिंपल सा लॉजिक है. कैश जा रहा है ना, तो कैश कॉलम में कितना लिखोगे? क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में. तो कैश कॉलम में कैश आप नहीं लिख सकते, तो अपोजिट उसका क्या है? बैंक है, तो बैंक आएगा. ठीक है, फिर उसके बाद बैंक में पैसे आ रहे हैं तो बैंक के रिसिप्ट साइड में लिखोगे. तो यार रिसिप्ट साइड में हमने क्या लिखा? बैंक के कॉलम में अमाउंट. सिंपल है. ठीक है, बैठ जाओ, लेट आते हो. ओके, नेक्स्ट अभी क्या
परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट, साक्षी से हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा 5 तारीख को, ठीक है, तो गुड्स खरीदा उधारी पे, क्या साक्षी को हमने परचेज किया ना, तो साक्षी को पैसे हमने दिए, दिख रहा क्वेश्चन में, नहीं ना साक्षी से पैसे लिए, तो कैश का ट्रांजेक्शन हुआ क्या यहाँ पे, नहीं, क्योंकि ये कैश बुक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होंगे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, तो इसके लिए इसकी एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट बुक में, ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सीखेंगे और जल्दी ही अपलोड भी करेंगे। ओके, अगला क्या है, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड बैरर चेक 20,000, ठीक है, गुड्स दिवाकर को सेल किया और बैरर चेक हमें मिला, तो बैरर चेक इज लाइक कैश, बैरर चेक क्या करते हैं हम लोग, तुरंत के तुरंत कैश में कन्वर्ट करा के लेते हैं, बराबर है। आगे की क्वेश्चन देख लो, बाद में उसने डिपॉजिट किया है क्या चेक को, देखो 6 तारीख को जो हमने दिवाकर को क्या किया था, सेल किया था गुड्स और उसने हमको बैरर चेक दिया था, वो हमने कभी डिपॉजिट किया, देखो 14 तारीख को दिख रहा है, चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6, ठीक है, कभी दिसंबर 6 लिखा हुआ है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, एक्चुअली यहाँ पे ना डेट गलत दिया है, एक काम करो दिसंबर को क्या करो, जनवरी करो, ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, हमें 6 जनवरी का इन्फॉर्मेशन दिया, 6 जनवरी को देखो अपने को क्वेश्चन में स्टार्टिंग में क्या दिया, जनवरी दिया ना, तो दिसंबर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, तो दिसंबर को चेंज करके क्या करोगे, जनवरी, तो चेक जो हमको दिसंबर जनवरी में मिला था 6 तारीख को, वो हमने कभी डिपॉजिट किया, 14 तारीख, तो इसका मतलब क्या है कि चेक जो हमको बैरर मिला था हमने कहाँ रखा होगा, कैश के ड्रॉअर में रखा होगा, कहाँ पे रखा होगा, कैश के ड्रॉअर में रखा होगा, ठीक है, तो इसकी एंट्री कैसे आएगी वो पहले समझ लो। सबसे पहली चीज, 6 तारीख को गुड्स सेल किया, 6 तारीख टू सेल्स अकाउंट, हमें चेक मिला, तो चेक जो मिलता है उसका पैसा कहाँ पे जाना चाहिए, बैंक में, सिंपल ना, चेक मतलब क्या, बैंक, ठीक है, बट यहाँ पे जो चेक हमको मिला वो हमने कभी डिपॉजिट किया, 14 तारीख को डिपॉजिट किया, लिखा ना वहाँ पे, ठीक है, तो इसके लिए हम आज इसको कौन से कॉलम में रखेंगे, कैश कॉलम में, किसने का चेक मिला है अपने को, 20,000 ना, ठीक है, समझ जाएगा कुछ, नरेशन क्या लिखोगे, क्या लिखोगे नरेशन, सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बैरर चेक, ठीक है, नेक्स्ट अगली, अगली एंट्री क्या है, 10 तारीख पेड टू साक्षी कैश, कितना कैश पे किया, 20,000, तो साक्षी कहाँ पे पे किया ना, तो पेमेंट साइड पे आएगा, कितनी तारीख है, 10 तारीख, बाय क्या लिखोगे, साक्षी अकाउंट, कितना कैश पे किया, 20,000, ठीक है, सिंपल है, वैल्यूएशन क्या आएगा, बिंग अमाउंट पेड टू साक्षी, नेक्स्ट 14 तारीख चेक रिसीव्ड ऑन दिसंबर 6, 2018 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, सिंपल है, ये जो चेक हमको मिला था ये हम अब क्या करने जा रहे हैं, डिपॉजिट करने जा रहे हैं बैंक में, तो बताओ चेक जो डिपॉजिट करोगे वो कहाँ से निकालोगे, अभी कैश के गले में रखा था ना, तो कैश के गले में से निकालोगे और कहाँ पे जाओगे, बैंक में जाके डिपॉजिट करोगे, इसका सिंपल मीनिंग क्या हुआ, आप कैश निकाल रहे हो मतलब कैश लेके जा रहे हो और कहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो, बैंक में, ये कौन सी एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा, ठीक है, तो सबसे पहले आपका कैश जा रहा है तो कौन से कॉलम में आएगा, इधर पेमेंट है ना, कितने कितने का अमाउंट था, 20,000, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कहाँ पे कैश जा रहा है, बैंक में, बैंक, कितनी तारीख है, 14, ठीक है, नेक्स्ट बैंक में पैसे आ रहे तो कहाँ पे लिखेंगे, रिसीप्ट साइड, टू कैश अकाउंट, समझ में आया कुछ,
एक दो सम और करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। आपके माइंड में क्या चल रहा है कि हमने दिवाकर से क्या लिया, बैलेंस चेक लिया, तो वो बैंक के कॉलम में आना चाहिए था, है ना। बट मुझे बताओ हमने उस दिन डिपॉजिट किया क्या, डिपॉजिट सेम डे पे किया क्या, कभी किया डिपॉजिट 14 को, मतलब 8 दिन के बाद। तो 8 दिन तक वो चेक कहाँ पड़ा था, कैश के गल्ले में, समझ में आया ना। तो इसके लिए हमने कहाँ पे लिखा था उसको, कैश पे लिया, ठीक है। और जब 14 तारीख को हम डिपॉजिट करने जा रहे हैं तो कैश का गल्ला ओपन करेंगे, उसी में से चेक निकालेंगे और फिर बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते, क्लियर है, ठीक है। दो तीन सम के बाद आपको समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है, सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। शिवाजी को हमने उधारी पे माल बेचा, कैश की एंट्री आएगी नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये कौन सा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट। हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश, ठीक है। ओके, 20 तारीख कार्टेज पेड इन कैश 500। कार्टेज समझते हो क्या होता है, जैसे कैरेज होता है ना, ट्रक टेम्पो का भाड़ा जो अपन भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, कैरेज। रेलवे का, शिप का, एयरवेज का जो हम भाड़ा भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्रेट बोलते हैं। तो उसी तरह से मान लो दो पहिए की हाथ गाड़ी होती है, ठीक है, उसका जो भाड़ा भरते हैं उसको क्या बोलते हैं, कार्टेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, भाड़ा ही है। 20 तारीख तो भाड़ा दिया तो क्या है, एक्सपेंस है कि इनकम है, तो एक्सपेंस में पैसे आते कि जाते हैं, जाते हैं। भाई क्या लिखोगे, कार्टेज अकाउंट, कितना अमाउंट पे किया, नरेशन क्या लिखोगे, Being cartage paid. Next चलते received cash from शिवाजी। देखो शिवाजी को हमने ना माल बेचा था 18 तारीख को, फिर 22 तारीख को क्या दे रहा हूँ, हमें कैश दे रहा है, कितना दे रहा है कैश, 12,000। तो कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या लिखोगे, टू शिवाजी अकाउंट, कितनी तारीख है, 22 12,000 नरेशन बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम शिवाजी। फिर 27 तारीख कमीशन रिसीव्ड, अगेन यहाँ पे क्या मिल रहा है अपने को, पैसे टू, डेट क्या है, 27 टू कमीशन अकाउंट 5,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, सिंपल है, कैश पर्सनल यूज क्या होता है, ड्रॉइंग। तो पैसे आ रहे कि जा रहे हैं, जा रहे हैं। कैपिटल के टाइम पे मालिक पैसे लेके आता है बिजनेस में, और ड्रॉइंग के टाइम पे मालिक पैसे लेके जाता है। तो यहाँ पे आएगा पेमेंट साइड, कितनी तारीख है, 30 ड्रॉइंग, कितना लिखेंगे, 2,000, ठीक है। बीइंग कैश ड्यू फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, कुछ कॉन्ट्रा समझा आप लोगों को, ओके। अब क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, क्योंकि और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो दो लाइन छोड़ दो, उसके बाद टोटल का कॉलम होगा। कैश का देखो डेबिट साइड का ही टोटल ज्यादा होगा, ठीक है। 5 और 2 7 कितना कैरी करोगे, 1, 1 और 2 3 और 2 5, 5 और 1 6 और फिर 167,000, ठीक है, 57,000 होगा ना, 2 और 2 4 और 1 5 57 होगा, बराबर ना, 5 और 2 7 ओके। यहाँ पे भी कितना रहेगा, 1,50,000। अभी डिफरेंस माइनस कर लो, 0,0,0,0 5 और 5 10 कितना कैरी करोगे, 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7 कितना कैरी किया, कुछ नहीं, 2 और 2 4 और 5 9, 9 और 6 15 एक कैरी किया, एक और कैरी, यहाँ पे 64,500। जनवरी का महीना है, कभी ख़त्म होगा, 31st बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन, फिर 2018 फर्स्ट क्या लिखोगे,
अब इसको भी कर लेते हैं, बैंक में देखोगे तो क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कितना है 70, यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस करने के लिए कुछ है क्या पूरे कॉलम में, नहीं। तो डिफरेंस कितना आएगा, ये भी यहाँ पे लिख दो, ठीक है, ऐसा समझ रहे। लास्ट टाइम आप लोग को लेजर सिखाया था, लेजर के अंदर बहुत लोग को पिछले टेस्ट में ये करने नहीं आया क्या, टोटलिंग करने नहीं आया, तो टोटलिंग प्लीज सीखो आप लोग, जैसे यहाँ पे टोटलिंग करें ना वैसे वहाँ पे भी करना है, ठीक है, कर लो फिर।